मंदिर के बारे में हमारी प्राथमिकता नहीं है, ये बहुत आहत करने वाला विषय है। इतना विराट हिंदू समाज, सबके दिल धक धक कर रहे थे कि अब निर्णय आने वाला है, निर्णय आने वाला है, और जो जो हमारे हृदय को छू रहा है, हमारी आस्थाओं का विषय है, वही अगर सुप्रीम कोर्ट की भी प्राथमिकता नहीं है तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अब प्रतीक्षा नहीं हो सकती, इसीलिए सरकार अध्यादेश लाए, कानून बनाए और राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करे। शिवसेना के लोग पहुंच गए, सभा करने की अनुमति नहीं दी सरकार ने, क्या नहीं? ये इस विषय पे मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि मंदिर बने, और हमें हमारी वर्तमान सरकार से बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने नैतिक रूप से इस विषय को हमेशा उसका पक्ष लिया, उसके लिए हामी भरी। तो अब उनके पास मौका है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जो विषय था वो अब धैर्य नहीं है, इसीलिए सरकार को पहल करनी चाहिए। जिस तरीके से अयोध्या में एक साधु ने समाधि लगा ली, उन्होंने कहा कि अगर मंदिर कसराना जब तक नहीं हुआ तब तक मेरी समाधि रहेगी, और नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। देखिए वो एक विषय है, लेकिन सबसे पहले ये भी विषय है कि देश के नौजवानों ने बहुत प्राण त्यागे हैं। सरयू के पानी को पापियों के द्वारा कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया, उस बलिदान को हम कैसे भूल जाते हैं? और फिर उस बलिदान को न्याय कैसे मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण होगा। इसमें आप भी चाहते हैं राम मंदिर निर्माण होगा, किस तरीके से चाहते हैं, कैसे होगा? देखिए हम लोग तो सोच रहे थे कि ये विषय न्यायालयों में है, जब भी हमने शुरू से ही कहा कि हमारी आस्था का विषय न्यायालयों का विषय नहीं है। फिर भी हम संवैधानिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया अभी देखने को मिला वो विवश कर रहा है हमें कि हम सरकार पे दबाव बनाएं कि वो मंदिर निर्माण के मार्ग को। देखो आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुल जाती है, मंदिर के लिए कोर्ट में समय नहीं होता। बयान दिया अगर हम मंदिर निर्माण कांग्रेस ही करा सकती है, बीजेपी नहीं करा पाएगी। देखिए ये सब राजनैतिक जो है वो विचित्र सा ड्रामा है, हम सब जानते हैं। कांग्रेस अभी निश्चित तो कर ले, वो अपना कोर्ट के बाहर जनेऊ पहन के सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, उसके बाद फिर उनको ये भी लगता है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं इस विषय को नहीं कहना चाहती, हर एक राजनैतिक पार्टी जब नेतृत्व करे देश का तो उसके लिए हिंदू मुसलमान कोई विषय नहीं है। इसीलिए बात ये है कि 70 पीढ़ियां हमारी खप गई, अब हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि योगी नहीं ढोंगी होगी है ये।